राजा राम की जय हो गाइस। और आज सुबह सुबह का दिन है, स्टार्ट होता है 52008 से। ये देखो हनुमान जी की जय तो बोल देते हैं हम, राजा राम की जय बोल देते हैं हम, बट यहाँ पर बाबा है ना, देखो कितनी ठंड में ये इतने पत्ते बिल्कुल हिल भी नहीं रहे, झंडा हिल बिल्कुल हिल भी नहीं रहा है। और इतनी तेज ठंड चल रही है, हरियाणा में ठंड नहीं है, MP में ज़्यादा ठंड है। हरियाणा जान है, ये जान है, वो जान है। अरे भाई तू क्या चाहता है, क्या चाहता है तू, खड़ा हो जा, कुछ भी नहीं चाहता, खड़ा हो जा चल। और ये देख मोजे पहन के आया चप्पल के साथ, जूते कहाँ हैं तेरे, 100 मीटर का शूट कौन लगाएगा। अरे तभी टाउन चल रही है, छाँव बरात आप सब से। चल तो फिर बाबा 3008 को लेकर के मैं सीधा कॉलोनी में पहुंच जाता हूँ। जिस कॉलोनी में हम बाद में टहलते हैं उसी कॉलोनी में हम एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं अब यहाँ पर, क्योंकि आपसे हमने यहाँ पर वार्म अप भी करना है, रनिंग भी करनी है, ये सारी चीज़ें लेकर के हम यहाँ पर एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले वार्म अप करते हैं और वार्म अप में काफ़ी सारी एक्सरसाइज करने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँ अभी है ना बाबा, 108 नहीं आए हैं। और यहाँ पर उसके बाद हम अपने रनिंग करना स्टार्ट करते हैं। रनिंग में हम लगभग 5 सूट लेते हैं और रनिंग के साथ में भाई साहब मज़ा आ जाता है तबीयत। देखो यहाँ पर हनुमान जी हैं, नीचे माचिस रखी हुई हैं और यहाँ पर ये देखो आसपास जितनी भी माचिस की वो तिल्लियाँ दिखाई दे रही है ना, वो तो पड़ी हुई हैं। दिखाना बाबा एक उठाना, ओए सो ले पहले दूँ है ना, एक्सरसाइज नहीं करनी। ये देख इतनी बार बोला बीड़ी मत पिया कर, बीड़ी पी ली मैंने अरे खांसी भी आ गई। ये देखो भाई यहाँ पर बीड़ी पीने का क्या मतलब है, अरे यार ये देखो वहाँ से माचिस जलाते हैं और यहाँ पर बीड़ी पीते हैं, भाई क्या मतलब है, भाई क्या है ये क्यों। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर है ना बाबा 108 तो आ चुके थे, ये अपना वार्म अप कर रहे थे, मैं अपनी एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर चुका था, बट है ना बीड़ी सिगरेट अखाड़े के अंदर, दूसरा हनुमान जी का मंदिर सामने है और हनुमान जी का मंदिर अंदर के अंदर भी है जहाँ पर हम डेली अगरबत्ती लगाते हैं, डेली धूप लगाते हैं, डेली आरती होती है, डेली पूजा पाठ होता है। वहाँ पर आप अगरबत्ती से मतलब क्या बताऊँ मैं यार, उस माचिस से बीड़ी सिगरेट पीना मतलब ही नहीं बनता यार किसी बात का, फिर भी लोग पी लेते हैं, मैं कैसे बताऊँ। और अखाड़ा हम खोदने के बाद में सपाटे लगाना स्टार्ट करते हैं, सपाटे के अंदर हमने ना वेट अपने हाथ में करके लगाते ताकि थोड़े से हार्ड लगे, और जिस दिन हम नॉर्मल सपाटे लगाएंगे वो थोड़े से ज्यादा लग जाए, काफी ज्यादा मजा आएगा। उसके बाद हम अपने आर्म्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पर है ना बाइसेप्स लगाने के बाद इतना ज्यादा हार्ड हो जाता है ना हाथ में, बता नहीं सकता आपको, शोल्डर्स वगैरह के साथ में भाई साहब तगड़ी वाली एक्सरसाइज लगाने के साथ में। और यहाँ पर है ना बाबा 3008 की बात कर रहा हूँ मैं, वो ना काफ़ी ज़्यादा फिलहाल है ना बीमार से हैं, अभी उनकी हड्डी खिसक सी चुकी है जिसकी वजह से वो हमारे साथ एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, बट भाई साहब वो भी डेडिकेटेड पर्सन है, उन्होंने मेरे साथ थोड़ी बहुत हल्की फुल्की की तो थी हमारे साथ में एक्सरसाइज, हमने बैक वगैरह की एक्सरसाइज भी लगाई, लेकिन सरप्राइज तब मिला जब बाबा 1008 भी आज मंडी में गए थे और हमारे पास। 1008 ने कमाल दिखाया है आज, अरे वाह यार धीरे धीरे लग जाएगी। ओए सुने देख ऊपर है, धीरे लगा इसको लग जाएगी ग्राउंड को, तेज मार लेना। लगी तो वही बात हुई, चप्पलता की सीढ़ी 30 नंबर सीढ़ी। कौन पीके गया ये बाबा, चला देंगे सीढ़ी चक्कर घुमाने वाला। गाइस मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, पिछले 2-3 दिन से मैं एक चीज कर रहा हूँ, देखना बाबा जय मास्टर रूपन का इसको भाई जय श्री कबीर जय श्री पुत्री बोलते क्यों मजा। बोल 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 जय मासूर पनका। तो क्या हुआ, मैंने ना इस आदमी ने मेरी बेइज्जती करवा दी, इधर आ तू। इसने बोला इसने बोला वो इसने बोला भाई सिलेंडर चाहिए मेरे को, एजेंसी बंद थी संडे को HP की, तो बोला है उसको फ़ोन करो, उसको बोलो कि है ना हमारे पास इंडेन का सिलेंडर है HP का दे देंगे। मैंने कहा भैया इंडेन का है HP का दे दो आप, हैं एक्सचेंज कर लो। वो बोला किस आदमी ने सलाह दी है, मंदिर इधर सड़क घुमा बोला बोला ये सलाह किस आदमी ने दी आपको। बोला बाद में उसके कॉपी में भर जाएगा वो, बोला 2 महीने बाद भरवा लेंगे। बोला अरे यार 2 महीने बाद मैंने बंद कर दिया तो फिर कहाँ जाएगा। लड़ेगा मेरे से। कितना टाइम हो गया वीडियो बनाते बनाते, एक बात बता पहले भारत के शेयर पे तूने कितनी वीडियो बनवाई है ना, बता तू कितनी वीडियो बनवाई है। सिल्वर मेडल सिल्वर वॉच आई हां, और क्या चाहिए तेरे को ये बता एक बार, जितने भी वीडियो है हां उतने में सब में देख लेना मैं किनी रूप में किनी पकड़ एक बार तू कैमरा हां बता क्या किस रूप में आया था। इसी रूप में आया था पर आया था, एक एक वीडियो उठा के देख लो आप, मेरी ढंग से करो उच्च भाई वीडियो सुरपण खा के भगत को मार दूंगा मैं बता रहा हूं।
यार क्या चीज है यूट्यूब की, क्या चीज सिल्वर मेडल है? बोल क्या चीज सिल्वर मेडल भाई तो सिल्वर मेडल चाहिए इसको भाई, सिल्वर बटन है वो, बटन है हाँ। सिल्वर प्ले बटन। ओ देख छोटा डोल ने बता दिया बात, छोटा डोल गाय जिनको देखो ये तो चलो बच्चे हैं तो घूमने आए, अब नीचे आ तू पहले आ देखी नहीं करके दे देख ये देख आ जाओ तुम भी आओ आओ शाबाश बहुत बढ़िया ये करने आते हैं ये और देख बाबा डर लग रहा है क्या? अरे वाह तुम भी मम्मी वो डर ही लग रहा है। अरे आता मोड़ रही चंदर मैं यहाँ डे जा ज़्यादा ऊपर नहीं आ गया। उसके तुरंत बाद हम अपने मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हैं सभी के साथ में और यहाँ पर काफी सारे लोग फिर से आ गए थे और उसके बाद हमने छोटा सा एक प्रोग्राम किया, ये आपको देखो काफी ज्यादा मजा आने वाला इस प्रोग्राम के अंदर भी आपको। मैं घर जा रहा हूँ इतनी सारी मौज मस्ती करने के बाद में घर जाने के बाद में सूरज राम जी के तेज तेज आवाज में भजन सुनता हूँ भाई साहब, तेज तेज चिल्ला कर गाता हूँ भी मजा आ जाता है, फिर काम भी करता रहता हूँ। इधर वीडियो अपलोड हो रही है 11 बजे जो वीडियो आ जाए वो मतलब कल आई थी जो आ चुकी है एंड ये किसी ने नहीं देखी जाकर के देख लो, डाइट अपनी ले लेता हूँ डाइट के साथ में सीधा। आज हमने भगवत गीता में पढ़ा कि प्रत्येक व्यक्ति के उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने वाला पुरुष का विशिष्ट स्वभाव होता है यथा उसका बोलना चलना आदि सोचना। ऐसे ही एक मूर्ख व्यक्ति का पता तब तक नहीं लगता जब तक वह बोलता नहीं, एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना भक्ति में व्यक्ति का सौ प्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबंधित विषयों के बारे में बोलता है, फिर तो अन्य लक्षण स्वयं प्रकट हो जाते। आज घर वालों ने ना देसी घी की कचौरी बना रखी थी नाश्ते के अंदर, उसके साथ में अचार और चटनी लेकर के एक लोटा छाछ पी लेता हूँ भाई साहब, बड़ा खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है भाई साहब। आपने पी क्या कभी? गाइस अंदर ना भूत के पीछे चली हुई, देखना दिखाता हूँ आपको, इन्होंने बोला वो मूवी चला दो भूत की। ये भूत की पिक्चर लगवाई क्यों थी जब डरना है तो? इनको मैंने बोला था तुम तो मूवी मत लगवाओ डर लग रहा है तो, लेकिन नहीं हमें तो भूत की देखनी है, दूसरी नहीं देख सकते थे तुम। जब इतनी देर से मैंने इनको बोला था अच्छी वाली मूवी देख लो, लेकिन नहीं इनको भूत की मूवी देखनी थी, अब देख लो भूत की मूवी। और मैं वहाँ उधर लैपटॉप पे बैठा बैठा काम कर रहा हूँ, उधर से आवाज़ जल्दी आ जाओ अच्छा सीन आ रखा है। अरे भाई जब मेरे पास काम इतना है मेरे को आधा घंटा लगेगा, आधे घंटे मूवी देखेंगे हैं। अभी हमारे घर में एक चीज़ और बन रही है, देखो इलायची मांगी जा रही है, मैं बाबा इलायची देख रहा है, बाबा इलायची की बनेगी सब्जी खाए। बाय द वे सभी ने ना बाबा इलायची हमारी लगा दी, नॉर्मल इलायची लगा ली, रॉकी ने एक नंबर की सब्जी बनाई, सब मजाक नहीं कर रहा हूँ, स्टार्टिंग मेरे को समझ में ना बन क्या रहा है, लास्ट में जो आलू छोले की सब्जी बनी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी मज़ा आ गया उसको खाने में भी। अगर इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं, अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, भगवान श्री राम के नाम पर लाइक ठोक दो भाई साहब अब तो। और यहां पर ना कल एक छोटा सा और चैलेंज देकर आने वाला हूं आप लोगों के लिए, अब की बार हमारे लिए नहीं है, देखना कल वाली वीडियो।